हेलो एंड नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मोशन ऑफ मिरर और उसके अंदर जो बनने वाली इमेज है उस इमेज की स्पीड, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देख लिया था कि मिरर को अगर फिक्स रख दिया जाता है और ऑब्जेक्ट अगर मिरर की ओर आता है तो उसकी इमेज कितनी स्पीड से मिरर की तरफ आ रही है। तो इसमें आज हम लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देंगे और मॉडिफिकेशन कुछ इस तरीके से होगा कि मान लो मेरे पास जो मिरर है ये मिरर आज रेस्ट कंडीशन में नहीं रखते हैं, मिरर इज ऑल्सो इन मोशन, तो देयर इज अ वेलोसिटी ऑफ दैट मिरर, लेकिन इसको मेजर करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इसको समझ लो। अभी इसमें चीजें क्या होगी, जो मिरर है वो मिरर किसी ना किसी प्लेन को पैरेलल होगा, और मैंने इसके पहले वाले सेक्शन में आपको बता दिया था कि वेलोसिटी कंपोनेंट पैरेलल टू मिरर विल नॉट चेंज। ठीक है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट पैरेलल टू मिरर में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मिरर में चेंज हो रहा है। तो अभी ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, सबसे पहले तो यही चीज को समझते हैं यहां पर कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, मान लो कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में, तो मैं बोल दूंगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, तो मुझे मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये सब चीजें देख रहा है, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर देख रहा है जो कि रेस्ट कंडीशन में हम लोग इमेजिन करते हैं, और इसकी जो इमेज होगी दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मान लीजिए मिरर भी मोशन में है, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में बता दिया है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से यहां पर दिखा देता हूं। मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन आपको पॉजिटिव लेनी है। चलिए अज्यूम करके चलते हैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होना चाहिए। इसका शॉर्ट फॉर्मूला ये है, वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब वेलोसिटी कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर टू मिरर, मिरर को अगर परपेंडिकुलर है तो ही ये पॉसिबल है। मान लीजिए मिरर को कोई कंपोनेंट पैरेलल है, दिस इज वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर, तो ये ऑब्जेक्ट वाला कंसीडर कर रहा हूं मैं, तो यहां पर भी वेलोसिटी विल बी पैरेलल, और ये इमेज के लिए ये दो कंपोनेंट कभी चेंज नहीं हो गया बिकॉज दीज कंपोनेंट्स आर पैरेलल टू मिरर, या फिर दीज कंपोनेंट्स आर पैरेलल टू मिरर, लेकिन जो परपेंडिकुलर होगा वो कंपोनेंट में ही चेंज होने वाला है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको यहां पर दिखाता हूं। मान लीजिए यहां पर एक मिरर है और मिरर इस डायरेक्शन में जा रहा है विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मिरर की ओर जा रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट। अभी क्वेश्चन ये है कि जो ग्राउंड ऑब्जर्वर होगा उसको क्या दिखने वाला है, तो ये जो स्पीड है दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज आल्सो वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पता नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्शन के हिसाब से मान लो इसको मैं पॉजिटिव मान के चलता हूं, तो यहां पर ये बेटा आने वाला नेगेटिव। आपका जो फॉर्मूला उस फॉर्मूला में रखना शुरू कर देते हैं यहां पर वैल्यूज, तो क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, तो 5 है डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया, ये -2 और इधर ये -5 आ गया, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना बन रहा है, इज इक्वल टू -9 मीटर पर सेकंड बन रहा है। माइनस का मतलब क्या हो रहा है, माइनस का मीनिंग ये हो रहा है कि ये लेफ्ट में आ रहा है, माइनस का मीनिंग क्या हो रहा है, ये लेफ्ट में आ रहा है, तो इमेज जो है ये मिरर की ओर आ रही है। वैसे ही इस एग्जांपल को थोड़ा और एक्सटेंड करा देता हूं मैं कि वही मिरर कंसीडर कर लीजिए, और जो मिरर है मिरर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से राइट में जा रहा है, ऑब्जेक्ट जो है ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी राइट में जा रहा है, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, this is velocity of mirror with respect to ground, तो velocity of image with respect to ground ? कितना है, कितना बन रहा है पता नहीं है, तो formula आपके पास था velocity of mirror with respect to ground is velocity of image with respect to ground plus velocity of object with respect to ground divided by 2,
बेटा देखो ये राइट में जा रहा है तो ये पॉजिटिव बन रहा है, तो चलो राइट पॉजिटिव मान के चलते हैं, लेफ्ट निगेटिव मान के चलते हैं। तो ये प्लस फोर हो गया इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस ऑब्जेक्ट कितना आ रहा है टू की स्पीड से डिवाइडेड बाई ये टू, मिरर राइट में जा रहा है फोर की स्पीड से, तो वेलोसिटी देखिए फोर टू जा एट और ये टू इधर ला लिया तो माइनस टू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो सीधी सी बात है ये मिल रहा है मुझे 6 मीटर पर सेकेंड। अभी ऐसा पहली बार हुआ होगा शायद आप लोगों ने आज तक देखा होगा कि हम लोग जब मिरर की ओर जाते हैं तो इमेज हमारी तरफ आती है, लेकिन यहां पर थोड़ा उल्टा हो रहा है, मिरर को स्पीड है जो कि ऑब्जेक्ट की स्पीड से ज्यादा है, तो उसी वजह से क्या हो रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड अ मिरर इमेज भी देखिए आगे आगे जा रही है, इमेज इज नॉट अप्रोचिंग टुवर्ड दैट पर्सन, इमेज इज ऑल्सो मूविंग विद 6 मीटर पर सेकंड, बट यहां पर पॉजिटिव साइन है मतलब क्या राइट में जा रहा है। इसको और सही ढंग से हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है दैट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड, इट इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, और जो मिरर है दैट मिरर इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड, और इसके साथ जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज सपोज 30 डिग्री, ये एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे आप पहले आपको क्या करना है, इसका जो कंपोनेंट होगा मिरर का जो एक कंपोनेंट होगा वो आप निकाल लीजिए। देखिए मिरर का ये जो कंपोनेंट होगा दैट इज 5 cos 30, तो 5 cos 30 मतलब 5 root 3 by 2, मिरर का ये जो कंपोनेंट होगा इट इज नॉट यूजफुल, क्योंकि देखिए कैसे है हम लोग यहां पर खड़े हो मिरर हमारे सामने से अगर निकल जाता है तो हमारी इमेज तो वहीं पर रहती है, मतलब मिरर की जो पैरेलल मोशन है उससे कोई चीज अफेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो कंपोनेंट होगा देखिए ये 10 cos 60 मतलब 5 आ गया और ये 10 sin 60 तो ये आ गया 5 root 3, तो 5 root 3 जो होगा इट इज अनअफेक्टेड, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, हम लोगों को इसका इस्तेमाल और इसका इस्तेमाल करना है। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में बात करो तो पहले अलोंग एक्स एक्सिस बात करते हैं, और अलोंग एक्स एक्सिस में क्या करते हैं देख लो, ये 5 है, ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन के हिसाब से बात करते हैं, चलो मिरर लेफ्ट में जा रहा है तो -5 root 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस ऑब्जेक्ट जो है राइट में आ रहा है +5 और ये डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ये 2 कैंसिल हो गया तो -5 root 3, ये 5 इधर आ गया इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -5 और ये आ जाएगा 1+√3। लेकिन ये अलोंग जो है ये x एक्सिस है, अलोंग y एक्सिस अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज कितना आ रहा है, तो ऊपर जो था दिख रहा मुझे 5√3, देखिए ये 10 मीटर पर सेकंड इसका नंबर था, ठीक है ये 5√3 आ गया 5√3। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर बात करना है तो ये जो आ रहा है ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ये जो नेगेटिव नंबर मिला है मुझे वो नंबर जो मिला कुछ इस तरीके से मिला है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इधर कि -5 1+√3 आई कैप और ये +5√3 जे कैप,